गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वे टू सक्सेस। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ 7 सितंबर के सभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स, जो कि आपके रिटन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में इस बेल आइकन के दबा दें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और आज की वीडियो का पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की लेटेस्ट करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज का क्वेश्चन फर्स्ट है, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के बाद कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी विश्व की दूसरी ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गई है? उत्तर है इसका गया अमेजोन कंपनी। अमेजोन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे अमीर कंपनी बन गई है, जिसकी कंपनी मार्केट वैल्यू करीब 71 लाख करोड़ डॉलर हो चुकी है। दुनिया की सबसे अमीर कंपनी एप्पल है और दूसरी सबसे अमीर कंपनी अमेजोन हो गई है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, दो डॉलर के मुकाबले पैसा टूटकर 71.58 प्रति डॉलर हो गया है। हाल ही में किसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रुपए में और भी गिरावट आ सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है इसका गै एसबीआई। एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉलर के मुकाबले पैसा 71.58 प्रति डॉलर हो गया है और इसमें और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 10 सितंबर को कौन सी राज्य सरकार 40 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू करने वाली है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोर स्टेप डिलीवरी सेवा क्या है। डोर स्टेप डिलीवरी सेवाएं में करीब 40 सेवाएं होंगी, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से होगी, जिसमें आप परिवहन सेवा होगी या फिर राशन कार्ड सेवा होगी, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, जिसमें मान लीजिए कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या फिर आपको अपना आरसी बनवानी है, उससे रिलेटेड जो भी काम होता है आपको केवल एक सरकार द्वारा जारी एक मोबाइल नंबर पर फोन करना है। उससे रिलेटेड जिस चीज की भी जरूरत होती है, जो भी सामग्री लगती है, वो आपके घर पर आकर अप्लाई किया जाएगा और आप सभी सेवाओं का घर पर ही उपलब्ध की जाएंगी और आप घर से ही सभी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 सितंबर को कौन सी राज्य सरकार इस सेवा को शुरू करने वाली है? उत्तर इसका है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू करने वाली है 10 सितंबर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत और किस देश ने सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी के बेसिन के दोनों ओर का निरीक्षण करने पर सहमति प्रकट की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, आप इसका लॉजिकल है थोड़ा सा, अगर आप इसका लॉजिक समझ गए होंगे तो आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि भारत और किस देश ने सिंधु जल संधि के तहत, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो सिंधु नदी है वो भारत और किस देश के बीच में है, तो इसका उत्तर है ए, क्योंकि सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान की साझी नदी है और पाकिस्तान ने ही सिंधु नदी के दोनों तटों के निरीक्षण पर सहमति प्रकट की है। नेक्स्ट है 5, जापान में हाल ही में आए 25 सालों के सबसे शक्तिशाली तूफान का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दिन से न्यूज में आ रहा है, जापान में अभी अभी एक बहुत ही भयंकर तूफान आया था, जो बताया जा रहा है कि करीब 25 साल बाद ऐसा तूफान आया है और इसमें करीब 9 लोग चपेट में आ गए और जिनकी मौत भी हो गई। तो इस तूफान का नाम क्या था? उत्तर है इसका सी, जेबी तूफान। इस तूफान का नाम जेबी तूफान था। रिटन एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना है इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के मिसाइलें और परमाणु हथियार विकसित करने वाले ज्यू क्यू चोंग का हाल ही में निधन हो गया? एक कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा मिसाइलें और परमाणु हथियार विकसित करता था और जिसके चीफ थे जो ज्यू क्यू चोंग की, जिसकी हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश से थे? उत्तर है इसका गै उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया से ही सबसे ज्यादा अलग अलग देश जो हैं वो सबसे ज्यादा आयात करते थे हथियारों का, जैसे कि मिसाइलें और हथियारों का। तो उसके जो चीफ है उत्तर कोरिया के हथियारों का, जो ये कंपनी थी ज्यू क्यू चोंग की, हाल ही में मृत्यु हो गई है और वो करीब 81 साल की मृत्यु हुई है उनकी, 81 साल की उन्हें उम्र पूरी कर दी थी।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है, हाल ही में आरिफ अलवी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। कल भी आया था क्वेश्चन, कल की सीरीज में भी आया था ये क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए इंपोर्टेंट है। इसका उत्तर है बी, पाकिस्तान। हाल ही में आरिफ अलवी ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए 2018 चुनाव में, ये 13वें राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस देश के साथ संचार संगतता और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि भारत ने और किस देश के बीच में संचार संगतता और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर इसका सी, यूएस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शहर दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर है इसका, बहुत ही इंपोर्टेंट है, सी, शिकागो। शिकागो शहर, जो शिकागो शहर है वो दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन अमेरिका में होगा यानी कि यूएसए में किया जाएगा, और भारत की तरफ से भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वेंकैया नायडू इसमें भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का फैसला किया। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उत्तर है इसका बी, राजस्थान। और ये एक योजना चलाई गई थी, भामा योजना चलाई गई थी राजस्थान में, जिसके तहत ये घोषणा की गई है कि जितनी भी गरीबी रेखा से नीचे परिवार है उन महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है ये, इसका उत्तर है राजस्थान। नेक्स्ट है आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में नगर अंटारी शहर का नाम बदलने का फैसला किया है, शहर किस राज्य में स्थित है। यानी कि एक नगर है अंटारी शहर, इस शहर का केंद्र सरकार ने हाल ही में नाम बदलने की घोषणा की है या फैसला किया है, ये शहर किस राज्य में स्थित है। उत्तर है इसका डी, झारखंड में स्थित है। और इस शहर का जो नया नाम होगा वो होगा बनीघर नगर, बनीघर नगर रखा जाएगा अंटारी शहर का नाम, ये शहर स्थित है झारखंड में। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। तो आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे, अब बात करते हैं प्रीवियस डे का, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था जिसका जवाब काफी लोगों ने दिया है, इसका उत्तर क्या था, बात करते हैं उत्तर की। निम्न में से किस देश ने हाल ही में बेइडो नेविगेशन उपग्रह कार्यक्रम के तहत जुड़वा उपग्रह लॉन्च किए। तो इसका उत्तर था चीन। काफी लोगों ने काफी क्या काफी ज्यादा लोगों ने इसका उत्तर जापान दिया, लेकिन चीन है इसका उत्तर डी, चीन ने ही नेविगेशन उपग्रह कार्यक्रम के तहत जुड़वा उपग्रह लॉन्च किए। अब बारी आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन इसका जवाब सही और सबसे पहले देता है। तो क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सैन्य अभ्यास से पहली बार भारत और किस देश की सेना द्वारा एक साथ हिस्सा लेने पर चीन ने स्वागत किया। यानी कि जो शंघाई सहयोग संगठन सैन्य अभ्यास है उसमें पहली बार भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लेने की बात कही है, और उसी के लिए चीन ने स्वागत भी किया है। तो इसके ऑप्शन है नेपाल, ए बी है पाकिस्तान, सी रूस और जापान। यानी कि भारत के साथ कौन सा देश इस बार हिस्सा लेने वाला है। तो आपको जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सभी को इसका उत्तर देना है, देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन देता है। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में इतने ही क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई भी सुझाव वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।